दंद्रबुक कहने लगा शिषपाल से, शिषपाल ये मोटा मोटा लंबी थोन वाला कौन है? जवाब दिया इसका बड़ा भैया दाऊ। जब कहा के दाऊ है तो दंद्रबुक कहने लगा, ए शिषपाल ये लंबी थोन वाले की थोन मत भाला भोंक दो, लड़की को छीन लो, काले कलूटे को पहिए से बांध दो। जब कहा इतने शब्दों को तो ध्यान रखना भाइयों, आज कन्हैया का भैया गुद्दाऊ हल को लेता है और मूसल लेता है। अरे 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 सखनाई रे ज्वान धर के टूटे, भाइयों थोड़ी देर में बलराम ने सारी सेना को समाप्त कर दिया। और जब समाप्त कर दिया, दंत्रबक और शिषपाल का नामो निशान नहीं रहा, पीठ दिखा करके भाग गए। तब तक तो शिषपाल आ गया, शिषपाल आ गया। दाऊ भैया रोंदते रोंदते दंत्रबक और शिषपाल को काफी दूर निकल गए। जब काफी दूर निकल गए तो याद रखना भाइयों, शिषपाल आ गया। और जब शिषपाल आ गया तो शिषपाल ने कहा, अब हम कुंदनपुर लौट के नहीं जाएंगे। अगर तू हमारी बहन को लेकर के चला गया तो कुंदनपुर में लौट के मुंह नहीं दिखाऊंगा। भक्तों, जब ये कहा कुंदनपुर में लौट के नहीं दिखाऊंगा मुंह, तो आज कन्हैया भी रथ से कूदना चाहते हैं, लेकिन रुक्मिणी ने कलाई पकड़ ली। और कलाई पकड़ के रुक्मिणी बोली, श्याम मेरी बात सुनो, मेरो भैया जबर तुम हलके ओ पिया ठहर जइयो, मेरो भैया जबर तुम हलके ओ पिया ठहर जइयो, नेकी बदी जो कछु है जावे, ए श्याम नेकी बदी जो कछु है जावे, सासु की देरी देख नहीं पावे, मेरी दो अखियन के पलके ओ पिया ठहर जइयो, महाराज मेरा भैया शंकर का बरदानी है। कन्हैया कहने लगे, तू कैसी पत्नी है, दुश्मन हमें युद्ध के लिए ललकार रहा है और तू हमें खेच खेच के रथ में ले जा रही है, हट पीछे। रुक्मिणी को पीछे कर दिया और जवाब दिया,
ये वीरांगनाओं पत्नियों की बात नहीं है जो तुम हमें खेच खेच करके पीछे कर रही हो। जरा हम छोटे जरूर हैं लेकिन एक बार देख तो सही, पत्नी ने छोड़ दिया, रुक्मिणी ने छोड़ दिया, आगे बढ़ गए श्याम और कहने लगे आजा मेरे दिल, आज जीजा साले के दो दो फैसले हो जाए। भक्तों आज वो मुरली बाला भिड़ गया शिषपाल से। ललित कृष्ण भगवान और सुनो दे ध्यान सभी सरदारी, गोटिन तो हुई रेतन खेतन भैया जाई, कृष्ण भगवान सुनो दे ध्यान सभा के भाई, और गोटिन हो गौ रेतन खेत में भैया जाई, अब टपक पसीना लहो मई पे बहो रो सुनो छाई, पसीना छूटने लगा एक पक पसीना न हो वही पे बहो रो सुनो छाई, दोनों की बजर देहन कर तराई, दोनों की बजर देहन कर तराई, याद रखेंगे भाइयों आज दोनों बलि विशाल महाविकराल वीर बलदाई और घोटुन है गौ रेत खेत में जाई, टपक पसीना रहो वहीं पे बहो रोज रो छाई, और दोनों की बज्र देह टलटलाई। भगवान कन्हैया ने ऐसो पेच मारो सो एक ही में चित्त, और मारना ही चाहते थे, तलवार निकाली, तलवार निकाल करके भगवान प्रहार करना चाहते हैं रुक्मिणी के ऊपर, सोई रुक्मिणी रथ से कूद पड़ी, रथ से कूद करके और अपने कन्हैया के आगे अपने पति के आगे झोली पसार दी और क्या बोली, मेरे भैया की भी करे स्वामी निकट दीजे, दिया है महाराज मेरे भैया की भी करे नाथ मोई दे दीजे, जब जो कछ गलती बन गई रे माफ कर दीजे, जो कुछ गलती बन गई महाराज जो नादान है ये समझता नहीं है माफ कर दो महाराज, बिरन में रो मर जावे गो महाराज, अगर मेरा भैया मर गया महाराज, बिरन में रो मर जावे गो तो कलंक छोटी का मेरे माथे लग जावे वो महाराज, अगर भैया मर गया तो मैं जब जब अपने प्यार में आया करूंगी तो मेरे साथ की सहेलियां मुझसे कहेंगे अच्छो ब्याह करो तो भैया उठा लो,
ओ मेरे राजा जी जब जब आऊंगी पियर में मोटे सखिया तो बोलेंगी बोल मेरे राजा जी जब जब आऊंगी पियर में मैं जब जब पियर में आऊंगी तब तब मुझे साथ की सहेलियां उलादा देंगे कहते भैया खा लो। उसी समय भगवान ने छोड़ दिया और छोड़